गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी. गुड मॉर्निंग. सो यस्टरडे वी स्टार्टेड आर्थमेटिक प्रोग्रेशन. यस्टरडे वी स्टार्टेड व्हाट? आर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और उसके इंट्रोडक्शन का हम पार्ट वन ही कर पाए कल. पूरा इंट्रोडक्शन नहीं कर पाया ना. आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट वन हमने कल किया. टुडे टुडे वी विल कवर पार्ट टू. और पार्ट टू में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो उसके साथ ही हम एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे इफ़ वी हैव टाइम, है ना. अच्छा, क्यों दो पार्ट में क्यों हुआ? अरे लास्ट ईयर तो पूरा एक चैप्टर था, पूरा चैप्टर था. और इस साल मानते हो चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा, उतना तो रहेगा ही रहेगा जितना लास्ट ईयर था. उसके बाद एक्स्ट्रा भी होगा, तो एक एक साल पूरा एक चैप्टर हो तो अगले साल वो एक क्लास में कैसे कवर हो सकता है? अभी एक क्लास को रिवाइज कराने में लगा जाता है, बच्चे भूल जाते हैं. एक क्लास रिविजन में लगा जाता है कि अच्छा यही है, फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताओ, फिर एग्जाम्पल्स करो. तो दो पार्ट में कोई बात नहीं, हमको कौन सा भागना है ना, हमको स्लो स्लो होले होले चलना है, बट धीरे धीरे चलना है. तो पार्ट वन में हमने क्या कवर किया पहले एक बार वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पिक्चर में रहें. ऐसा नहीं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ध्यान ही नहीं है कि पहले क्या हुआ क्या हुआ. तो पार्ट वन में सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन कवर किया, राइट? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एंड रिविजन कह सकते हो आप. रिवाइज किया पूरा टॉपिक, है ना. उसके अंदर सारी चीजें आ गई. अब जनरल जैसे टर्म क्या होती है, जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपने सीखी. फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है. वैसे बेसिकली आर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस. मैं कह सकता हूँ आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया है, सो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस. स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना. हिंदी में पता है प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में जलसा, ये जुलूस. प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस. क्योंकि जुलूस निकलता है, रैली निकल रही है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोग्रेशन. जो प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, जलसा आगे बढ़ता जा रहा है. तो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या एक जुलूस है, एक जलसा है जो बराबर बराबर तरीके से बढ़ता जा रहा है. ओके ना. ओके, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है. इंट्रोडक्शन रिविजन सीखा, उसके बाद हमने जनरल टर्म सीखी, जिसको अपन जनरल टर्म फॉर्मूला कहते हो या एनथ टर्म भी कहते हैं उसको, है ना. ये सीखी. आप कहोगे सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, पिछली साल ही सीखी थी. लेकिन इस बार जो है दो तरीके से सीखी, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड. आपको सर पिछली बार ही सीख ली थी, पिछली बार मैंने सिखाई थी, चैप्टर में तो फ्रॉम बिगिनिंग ही थी. अब थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा करते हैं ना, 10th में 11th का थोड़ा कर लेते हैं, 11th में 12th का थोड़ा कर लेंगे. तो उस हिसाब से हमने एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, तो मैंने दोनों मेथड से एक्स्ट्रा सिखा दी थी. बाकी थी थोड़ी ना पिछली बार, पिछली बार तो केवल फ्रॉम बिगिनिंग थी. अभी फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड दोनों है, दोनों के क्वेश्चन थे. इस बार तो मतलब डिटेल में है दोनों के क्वेश्चन, पिछली बार इक्का दुक्का था. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, उसके बाद क्या सीखा बताओ? और क्या सीखा कल हमने जनरल टर्म के बाद? प्रॉपर्टीज, है ना. तो प्रॉपर्टीज में अपन ने बेसिक अलजेब्रा करके सीखा, जैसे एडिशन ऑफ कांस्टेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, या फिर डिवीजन बाय कांस्टेंट. तो बेसिकली ये कुछ चीजें हम कल कवर करते हैं. अब आज पार्ट टू करने वाले हैं ना. पार्ट टू में हम देखो, ये लास्ट प्रॉपर्टीज करी थी हमने, ये जो लास्ट पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था. एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, हमेशा एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, बिकॉज बोर्ड्स एंड बाकी सारी जगह एनसीईआरटी फॉलो हो रही है. अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं चारों, इसमें तो केवल लिखी हुई है कि अगर अपन ऐड करें तो भी एपी मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करें तो भी एपी मिलेगा, मल्टीप्लाई करें तो भी एपी मिलेगा, डिवाइड करें तो भी. लेकिन हमने तो एक्स्ट्रा किया, हमने क्या किया कि ऐड करेंगे तो एपी मिलेगा, दैट इज फाइन, वो आप सही कह रहे हो, बट कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, है ना. इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, एपी तो मिलेगा, लेकिन आगे और उस एपी में क्या क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. अच्छा, फर्स्ट टर्म तो देखो डिफरेंट रहेगी रहेगी, है ना भाई. अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाए तो फिर तो एपी सेम हो गई, दो ही तो चीजें होती हैं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म. अगर फर्स्ट टर्म भी सेम रह जाए, कॉमन डिफरेंस भी सेम रह जाए, तो फिर डिफरेंस ही क्या हुआ, और डिफरेंस ही नहीं हुआ. तो फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस सेम होगा. सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा कि फर्स्ट टर्म तो सेम हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगी एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. देन बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, इसमें कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट हो जाएगी. इसमें कॉमन डिफरेंस भी क्या है, जिससे आप मल्टीप्लाई करा रहे हो ना कॉन्स्टेंट, उतने टाइम्स हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट कॉन्स्टेंट, और फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी होगी, है ना. और इसमें भी क्या हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय दैट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस चेंज होकर डी बाय के की फॉर्म में आ जाएगा, उसमें डी इंटू के की फॉर्म में आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म जो है वो तो डिफरेंट होगी होगी. हाँ, डिफरेंस के केस में हमने एक चीज और सीखी कि डिवाइडेड बाय जीरो कभी नहीं कर सकते, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, है ना. तो जीरो के अलावा आप किसी और किसी नंबर से, तो कह रहा है भाई ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट से डिवाइड करना लेकिन जीरो से डिवाइड मत करना. यहाँ जीरो से भी कर सकते हो, जीरो से भी कर सकते हो, ये जीरो से, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते. ओके फाइन. तो ये हमने कल कवर किया, ये सब हमने कल कवर किया. अच्छा जी, अब सुनो आगे हम क्या करने वाले हैं. एक टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं
हाँ सुनो, अर्थमेटिक मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला बताता है। हमने कल nth सम फॉर्मूला सीख लिया, तो पूरा पहले चैप्टर ना, क्लास 11 क्लास 10th का रिवीजन चल रहा है अभी। तो क्लास 10th के रिवीजन में nth सम के बाद अगला फॉर्मूला आया था एक सम फॉर्मूला, है ना। तो पहले हम उस सम फॉर्मूला को कवर करते हैं और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा पढ़ के आए हैं, है ना। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होंगे वो अपन एग्जाम्पल्स में देखेंगे ना। और उसके बाद फिर एक टॉपिक बचता है अर्थमेटिक मीन, और एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि सिलेक्शन ऑफ, हाउ टू सेलेक्ट टर्म्स ऑफ एमएपी, है ना। अलग अलग क्वेश्चन में अपन कैसे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करते हैं, दो छोटे टॉपिक बचते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक कल हमने नोट डाउन कर लिया था। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सम फॉर्मूला लिखिए, सम टू एंड टर्म्स ऑफ एनएपी, सम टू एंड टर्म्स ऑफ एनएपी। आयुषी, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो यू कैन रेज योर हैंड, उसमें ऑप्शन आता है ऑनलाइन, है ना। सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ गए होंगे सम टू एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब क्या है। कि अगर सपोज करो मेरे पास जैसे एक एपी है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 23, 3 ऐड हो रहा है एंड सो ऑन, ऐसे है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो है ना इस एपी के शुरुआती 5 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, फर्स्ट लगाना भूल गया मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं फर्स्ट नहीं लगाऊंगा तो कौन सी एंड टर्म्स की बात कर रहा हूँ वो मिसिंग हो गई ना। तो सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन, वेरी इंपॉर्टेंट, सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन, अभी ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सपोज करो मुझे इसकी शुरू की 5 नहीं 6 टर्म्स का या 5 टर्म्स का सम चाहिए, 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का अगर मुझे सम चाहिए, तो आप कहोगे सर जोड़ लो, आप कहोगे सर जोड़ लो, तो मैं 5 टर्म्स तो जोड़ लूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन आई विल टेल यू कि फर्स्ट 50 टर्म्स का सम बताओ, एंड फर्दर फिर मैं आपको कहूंगा 500 टर्म्स का सम बताओ। तो उसके लिए ऐसे प्रैक्टिकली बाई हैंड तो जोड़ नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, देर मस्ट बी ए फॉर्मूला, देर मस्ट बी ए फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले के बारे में हम सीखेंगे। तो अगर मैं इसकी डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन कुछ ऐसा है, देखो बेटा लास्ट ईयर भी आपको समझाया था थोड़ा बहुत। एक्चुअली अभी जो हम आर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं ना, उससे रिलेट करता है इसका डेरिवेशन। कैसे, देखो सपोज करो रफली सीख लो, चाहे लिखो मत, रफली सीख लो, लास्ट ईयर तो पूरा लिख के भी बताया था मैंने। सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है ना। तो इन 7 टर्म्स का आपको सम चाहिए, क्या चाहिए, सम। याद रखना, अगर कोई चीज बराबर बराबर बढ़ रही है, ठीक है ना, तो उसका एवरेज लेना बड़ा आसान होता है। और बराबर बराबर नहीं भी बढ़ रही है तो भी एवरेज तो ले सकते हो ना। तो सम जो होता है ना, सम किसी भी चीज का सम हमेशा एवरेज इंटू नंबर होता है। क्या होता है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज समझते हो आप, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम निकालना होगा तो एवरेज इंटू नंबर करोगे, करोगे तो ये फॉर्मूला मिल गया। अब आप कहोगे कि सर इन सारे नंबर्स का मुझे एवरेज बता दो, फिर आप नंबर तो आप दे ही रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फाइनाइट एपी की बात कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली सम इज ओनली ओनली पॉसिबल पॉसिबल फॉर फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी का तो सम कैसे निकालोगे, चलती जा रही है चलती जा रही है, तो सम को कितने टर्म्स का निकालो पता नहीं है ना। तो फाइनाइट एपी का ही सम पॉसिबल है ना। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टर्म्स हो गए मेरे पास फाइनाइट एपी है। तो आप कहोगे मेरे को ये एन की वैल्यू तो पता है 7, बस मुझे एवरेज दे दो तो मैं सम निकाल लूंगी, क्योंकि सम का जनरल फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह, चाहे से एपी ना हो तो भी, चाहे से एपी ना हो ना, ये मतलब ये सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा हो ना, आप किसी भी जोड़ तोड़ से सम एवरेज निकाल लो, एक बार बस एवरेज निकाल लो, एवरेज इनटू नंबर करते ही क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। और यहाँ पे तो एवरेज निकालना और आसान है, जब एपी नहीं है तो भी एवरेज निकाल सकते हैं, जब एपी है तो भी एवरेज निकाल सकते हैं, जब एपी नहीं है तो एवरेज बड़ी मुश्किल से निकलेगा, या मशक्कत करने से निकलेगा, कुछ और सोचने से निकलेगा, या प्रैक्टिकली जोड़ के डिवाइडेड बाय एन करने से निकलेगा। बट अगर एपी है तो एवरेज निकालना बहुत आसान है, पता है कैसे, पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो बेटा, पूरी एपी का एवरेज हो जाएगा। पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज निकाल लो। तो 2 और 20 का एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हो, 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 प्लस 20 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आप निकाल लोगे, किसी ने कहा सर मैं पहली और आखिरी चुनूं क्या, नहीं और भी चुन सकता है, तो तू दूसरी और सेकेंड लास्ट चूज कर ले, अभी भी 5 और 17 22 ही हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 11। तू तीसरी और थर्ड लास्ट चूज कर ले,
आठ और 14 भी वाई सी होता है, वाई सी डिवाइड बाई 14। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कुछ मत कर, तू बीचो बीच वाली चुन ले, 11 ही तो एवरेज है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो, इन केस मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच की दो का एवरेज देना पड़ेगा, है ना। हमने भी मीडियम में भी सीखा था, बहुत सारी चीजें सीखी थी, तो हर चीज कनेक्टेड होती है। जो पहला सीखते हैं ना वही चीज घूम फिर के आती है, मैथ्स ही तो है, तो नई चीज थोड़ी ना। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, क्लियर है। तो हम अगर इसका एवरेज निकाल लें कैसे भी करके, तो हमने तो 10 तरीके से निकाल लिया सर। इसका एवरेज है 11, इसका एवरेज है 11, मिडिल मोस्ट टर्म 11 दिख रही है, या 2 + 20 / 2 कर लूँ, या 5 + ऐसे भी मैं 11 निकाल सकता हूँ। तो 11 × क्या करना है, एन, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 77 जो हो जाएगा इसका सम हो जाएगा, चाहे से आप जोड़ लो, चाहे से आप जोड़ लो। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ये फॉर्मूला अपने को, इस फॉर्मूले में क्या चाहिए मुझे, नंबर चाहिए यानी एन चाहिए, एवरेज चाहिए। लेकिन सर एपी में तो एवरेज जैसी कोई चीज नहीं होती, एपी में तो क्या चीजें होती है, ए डी एन। तो इस फॉर्मूले को अपन ए डी एन में कन्वर्ट करने वाले हैं, बिकॉज अभी हम एपी के नजरिए से देख रहे हैं। अभी हम जनरल नजरिया तो एवरेज इंटू नंबर कहता है ना, लेकिन अभी हम एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, एपी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप हमको ए डी एन की फॉर्मूले के फॉर्म में ये फॉर्मूला कन्वर्ट करके बताओ। तो उस फॉर्म में ये फॉर्मूला कन्वर्ट करके बता दें हम आपको, देखो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, कुछ चीजें लिखो, जितना सीखा उतना एक बार लिख लेते हैं। वी नो दैट, वी नो दैट सम ऑफ एनी, सम ऑफ एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस होगा ना, जरूरी नहीं है ये, इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो नंबर को मैं स्मॉल एन से मार्क कर लेता हूँ ना, ठीक है ना, एवरेज इंटू नंबर होता है, होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात है। और व्हेन इट कम्स टू एपी, एंड एंड व्हेन इट कम्स टू एपी, व्हेन द सीक्वेंस इज एपी, जब वो सीक्वेंस और कोई सीक्वेंस नहीं है, हमारा अपना जाना पहचाना सीक्वेंस एपी है, व्हेन द सीक्वेंस इज एपी, जब सीक्वेंस एपी हो जाए तब तो मेरा काम थोड़ा आसान है। व्हेन द सीक्वेंस इज एपी, देन देन एवरेज निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। सर आपने तो ये भी करके बताया, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है ना। ज्यादा आसान क्या है, पहली आखिरी, ज्यादा आसान क्या पहले, आपने सोचा मिडिल मोस्ट निकालो, मिडिल मोस्ट भी पहुंचना मुश्किल है, कि कल को मैं कहूँ 768 टर्म्स, तो 768 टर्म्स के मिडिल मोस्ट टर्म पहले तो सोचो कौन सी, वहां तक पहुंचना मुश्किल है ना। आप क्या करो, पहली आखिरी तक पहुंचना हमेशा आसान होता है। तो एवरेज को आप कैसे निकालोगे, एपी के केस में पहली और आखिरी का एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है ना, तो मैं लिख सकता हूं एवरेज ऑफ एन टर्म्स, एवरेज ऑफ एन टर्म्स विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज कैसे लिखते हैं अपन, फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी में, ए, और लास्ट टर्म क्या होती है, एल, तो ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलो। फाइन, ये तो आ गया आपका एवरेज, ये तो आ गया आपका एवरेज। ठीक है, अब अपने को एवरेज थोड़ा निकालना है, अपने को तो सम निकालना है। तो इस एवरेज के फॉर्मूला को उधर उधर एवरेज में पुट अप कर दो, और आपके सम का फॉर्मूला बन चुका है ना। तो नाउ सो सो सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, सम टू फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि एवरेज इनटू नंबर था, क्या था, एवरेज इनटू नंबर था। तो एवरेज का फॉर्मूला पहले पता नहीं था मुझे, अभी पता चल गया, क्या होगा ये, ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 × n, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है एन बाय 2 × a+l। बताओ लास्ट ईयर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला। अच्छा, अब लास्ट टर्म को अपन ए एन से भी डिनोट करा देते हैं, तो इसको मैं और लगा के ये भी लिख सकता हूँ कि यही फॉर्मूला मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कैसे, एन बाय 2 × a+an, इज दिस क्लियर।
लास्ट टर्म को अपन एन से भी डिनोट करा देते हैं ना एपी में, तो एल लिखूं या एन लिखूं बात है कि, तो ये दो फॉर्मूले मिले सबसे पहले तो मुझे एपी के, आप इनको ब्रैकेट में पैक कर दो, एपी के सम के, सॉरी एपी के सम निकालने के दो फॉर्मूले मिल गए, ठीक है बेटा। और ऊपर किसी भी सीक्वेंस का सम निकालने का फॉर्मूला मिल गया, एवरेज इनटू नंबर, किसी भी सीक्वेंस का, नॉट ओनली एपी, कल को मैं जीपी का भी पूछूंगा ना, तो आप एवरेज इनटू नंबर से निकाल सकते हो, या एचपी आएगा, या एपी जीपी एचपी ना हो, कुछ भी हो, विदाउट एनी पैटर्न हो, जो सीक्वेंस एंड सीरीज की पहली एक्सरसाइज करी थी हमने, उसमें बहुत सारी सीक्वेंस थी, उसमें कोई पैटर्न मतलब सम नहीं हो रहा था, कुछ भी सीक्वेंस थी, उनका भी अगर आप सम निकालना चाहो ना, तो एवरेज इनटू नंबर वहां पे भी काम करता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब अभी भी लेकिन इस फॉर्मूले में वो चीज नहीं दिखाई थी, ए डी एन, तो अभी और इसको सेकंड, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हेडिंग डालो सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना, तो केस टू लिख लो, या तो केस टू, केस टू है व्हेन व्हेन ए एंड डी आर गिवन, व्हेन ए डी एंड एन आर गिवन, एंड ए डी एंड एन आर गिवन, तो ये फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं, जब हमारे पास ए डी और एन गिवन हो तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो एक बार मैं ये का ये फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, है ना, और इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इसको एस एन भी कहते हैं ना, सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम कैसे कहते हैं, दैट इज एस एन, क्या बोलेंगे इसको हम, एस एन, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, एस एन, एस एन से डिनोट कराते हैं इसको, है ना, तो एस एन इक्वल टू, यहां तक तो मैं कर चुका हूं सर, एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन, यहां तक तो अपन कर चुके हैं, अब ए एन का फॉर्मूला नहीं आता क्या आपको, आता है, तो एन बाय टू एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ए प्लस ए एन का फॉर्मूला बोलना बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है, बोलो यही तो होता है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टू ए, क्या हो जाएगा, टू ए, तो एन बाय टू, टू ए प्लस, टू ए प्लस ए टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा जाना माना फॉर्मूला जो अपन 10th में भी सीखे थे, ठीक है ना, जो बच्चों को सबसे पहले याद कराया जाता है वो एक्चुअली इस तरीके से डिराइव होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली एस एन का फॉर्मूला, जब ए एन और डी गिवन हो, जब कॉमन डिफरेंस गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, या फिर फर्स्ट टर्म गिवन हो, तो हमारा फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है, हो गया सम टू एंड टर्म्स का फॉर्मूला क्लियर, दोनों फॉर्मूले क्लियर, ठीक है, अब एग्जाम्पल्स अपन बाद में करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्थमेटिक, हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक आर्थ, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना, जिसको हम ए एम या फिर जनरली केवल ए से भी डिनोट करा देते हैं, केवल ए, ए एम या कैपिटल ए से भी डिनोट करा देते हैं अरिथमेटिक में, शॉर्ट में, ठीक है, ओके बात करते हैं अरिथमेटिक में, तो क्या नया नई चीज है क्या अरिथमेटिक मीन, बताओ, स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ा हमने अरिथमेटिक मीन, मीन नहीं पढ़ा, मीन क्या है, मीन एवरेज, आर्थमेटिक मीन स्टेटिस्टिक्स में उसका नाम हो जाता है, ठीक है ना, तो आर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने कहा आर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स, मैंने कहा आर्थमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर्स, तो 10 नंबर्स का एवरेज चाहिए आपको, क्या चाहिए, तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो, द आर्थमेटिक मीन, द आर्थमेटिक मीन, आर्थमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज नथिंग बट द एवरेज, इज नथिंग बट द एवरेज, एवरेज ऑफ दोज एंड टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ दोज एंड टर्म्स ऑफ द एपी, ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन, क्या चीज है ये, एवरेज, क्या है चीज है बेटा ये, एवरेज, अब क्या हमसे एवरेज पूछेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, मतलब इस साल एपी में आर्थमेटिक मीन का रोल क्या है, ये तो हो गया इसका मतलब, मतलब तो बताना पड़ता है कि एवरेज होता ही है ना,
इस बार बताए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि 3 और 12 में बीच में ऐसा क्या नंबर रखूं ताकि ये तीनों एपी में बन जाए, ये तीनों एपी बन जाए। तो बताओ 3 12 के बीच में ऐसा क्या नंबर फिट करें कि तीनों नंबर से एपी में आ जाए। 3 एंड 12 के बीच में एग्जैक्टली ऐसा कौन सा नंबर रखें कि तीनों नंबर क्या आ जाए, एपी में आ जाए। 3 एंड 12 से नहीं समझ आ रहा तो 3 एंड 13 ले लो, 13, 3 एंड 13 अब समझ में आएगा। 3 एंड 13 के बीच में ऐसा क्या नंबर ले लें कि ना एपी बन जाए, बताओ सोचो। नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा। देखो 3 के बीच में कैसा नंबर रखो, उसके बाद मतलब जितना 3 से आप आगे बढ़े उतना ही आप आगे बढ़ के 13 तक पहुंचो। तो एग्जैक्टली बीच का नंबर चाहिए इनका। 3 और 13 का गैप कितना है, 3 और 13 का गैप कितना है, 10। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 5 का गैप अगर मैं बीच में कर दूं, तो 5 का गैप करोगे तो 3 प्लस 5, अगर मैं यहाँ पे 8 भर दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या भर दूं, 8, तो देखो गैप कितने का है, 5 का। अगेन गैप कितने का है, 5 का। तो ये एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, 3 8 13 बना रहे हैं ना। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि दो नंबर्स के बीच में ऐसा कौन सा नंबर भरा जाए ताकि वो तीनों नंबर्स एपी में आ जाए, ठीक है। अच्छा दो नंबर्स नहीं, मतलब दो नंबर्स के बीच में एक नंबर नहीं भरना क्वेश्चन, तो एक्चुअली ऐसा आएगा कि दो नंबर्स के बीच में ऐसे 10 नंबर्स भरने हैं या ऐसे 20 नंबर्स भरने हैं। 20 तो खैर नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 5 6 आएंगे, है ना। डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं टॉपिक वाइज, है ना, कि 10 नंबर्स ऐसे कौन से भरे हैं ताकि वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाए, एपी बन जाए। तो अब 10 को तो मारो गोली, अभी एक की बात करते हैं ना। दो नंबर्स के बीच में एक नंबर ऐसा कौन सा भरा जाए ताकि वो एपी बन जाए, कैसे पता लगाया बेटा। हमने टोटल गैप कितना देखा, क्या देखा, 10, 10 का आधा कर लिया। अच्छा दूसरे शब्दों में बात करूं तो 13 और 3 का एवरेज क्या होता है, 13 और 3 का एवरेज क्या होता है, एवरेज एवरेज नॉट सम, क्या होता है, 16/2 = 8। तो बीच में आप आर्थमेटिक मीन भर रहे हो, बीच में आप क्या भर रहे हो बेटा, आर्थमेटिक मीन बन रहे हो, ठीक है ना। ये जो भी एपी बनेगी, ये जो भी एपी बनेगी इसका एवरेज भर रहे हो बीच में, ठीक है ना। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी अभी बताया, एपी के केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का एवरेज, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एवरेज ही पूरी एपी का एवरेज है। तो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, 3 और 13, आपको एपी बनानी है तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बनेगी। तो इसका एवरेज क्या है, 3 और 13 का एवरेज 8 है, तो 8 ही बीच में भरना पड़ेगा, समझ आया। तो अभी तो एक टर्म सीखी है आपने, मतलब बीच में एक नंबर कैसे भरे, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे आगे कि बीच में 10 नंबर कैसे भरे, बीच में 5 नंबर कैसे भरे। ओके, आपके आर्थमेटिक मी सॉरी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 जो आपने क्लास 10th में सीखा था, उसमें एक टेबल बन के आई थी एक्सरसाइज के बीच में से, ब्लॉक 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 थे, फिर हमको उस ब्लॉक को फिल इन द ब्लैंक्स भरना था ताकि वो पूरी एपी बनाए, याद है। तो वो थोड़ा थोड़ा हिंट था इसका, ठीक है। चले आगे अभी, तो अब आप लिखो इसके आगे, रोल ऑफ आर्थमेटिक मीन इन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस साल इसका क्या रोल है ना, रोल ऑफ आर्थमेटिक इन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो क्या कहा मैंने, सपोज सपोज वी आर गिवन, सपोज वी आर गिवन टू फिल ए नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, सपोज वी आर गिवन टू फिल ए नंबर बिटवीन 2 नंबर्स A and B, सच दैट ए नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए नंबर उस एक जो एक नंबर है ना उसको भी मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, ए नंबर कैपिटल ए बिटवीन, ए नंबर कैपिटल ए बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, सच दैट दीज थ्री नंबर्स फॉर्म एन एपी। ऐसा मेरे पास टास्क है कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, और बीच में मुझे एक नंबर भरना है ए नाम का, बीच में मुझे एक नंबर भरना है ए नाम का, ताकि है ना ये 3 नंबर्स क्या हो, ए कैपिटल ए और बी ये क्या बन जाए, एक एपी बनाए। दैट इज इसका मतलब है मुझे ये काम करना है कि ए कैपिटल ए और स्मॉल बी फॉर्म्स एन एपी, ये काम करके मुझे बताना है कि तीनों नंबर्स क्या बना दें, एपी बना दें। तो
टेल मी, अगर ये तीनों नंबर्स एपी बनाएंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा। तो टेल मी यहां से लेके यहां तक जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होगा, और वो का वही कॉमन डिफरेंस यहां से लेके यहां तक भी डी होगा। बोलो, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये डी होगा तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। मुझे बताओ, सो डी कैसे निकालते हो आप, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? ए माइनस ए करके, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, या फिर कैसे निकाल सकते हो बोलो, या फिर कैसे निकाल सकते हो? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके कर सकते हो भैया? तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, कर सकते हो? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये माइनस ए जो है ये इधर आके प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ए जो है इधर आके प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस स्मॉल ए उधर जाके प्लस ए, तो 2a, मतलब ये a प्लस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a, और उधर वो क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a प्लस बी बाय 2। आपको यही तो चाहिए था कि बीच में वो एक नंबर जो है कैपिटल a वाला जो नंबर है वो कौन सा भरा जाए, तो कौन सा भरा जाएगा वो नंबर इन दोनों का एवरेज। a प्लस बी बाय 2 क्या है, एक्चुअली a और b का एवरेज ही तो है। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस बी बाय 2, ये तो लिख दिया आपने, विच इज द आर्थमेटिक मीन, विच इज द आर्थमेटिक मीन ऑफ द एपी। इस एपी का ये आर्थमेटिक मीन ही तो है। तो कल को अगर आपसे पूछा जाए कि आप बीच में कौन सा नंबर भरेंगे तो आप क्या कहेंगे, हम बीच में आर्थमेटिक मीन भरेंगे। और आर्थमेटिक मीन कैसे निकालता हूं मैं, पूरी एपी का पहली और आखिरी टर्म का एवरेज ही मेरा आर्थमेटिक। अब तीन ही नंबर हैं तो पहला और तीसरा टर्म ही मेरा क्या है, पहला और आखिरी टर्म, तो उन दोनों का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं। अब हम उसके रेंज बढ़ा देते हैं कि अब हमको बीच में कुछ ज्यादा नंबर्स भरने, इतने से नंबर नहीं भरने, क्या भरने मुझे, थोड़े से ज्यादा नंबर भरने। ठीक है, ये लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिखो। नाउ नाउ इफ वी आर गिवन टू फिल एन नंबर्स, अब मुझे एन नंबर्स भरने, भाई एन कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 है ना। वी आर गिवन टू फिल एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, सच दैट दे फॉर्म एन ए पी, सच दैट दे फॉर्म एन ए पी। तो क्या होगा सर, सच दैट दे फॉर्म एन ए पी, फॉर्म एन ए पी, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। दैट इज देखो मेरे पास है यहाँ पे लेटर से, मेरे पास है पहला नंबर तो क्या है ए, और फिर दूसरा नंबर में क्या भर रहा हूँ, मेरे को एन नंबर्स भरने। तो अगर मेरे को एक नंबर भरना होता था तो मैं उसको कैपिटल ए लिख देता था, लेकिन अब तो बहुत सारे नंबर भरने हैं तो कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लेटर से मेरे को पहला नंबर जो भरना है उसको कैपिटल ए वन लिख देता हूँ, दूसरा नंबर जो भरना है उसको कैपिटल ए टू लिख देता हूँ, तीसरा नंबर जो भरना है उसको कैपिटल ए थ्री लिख देता हूँ, चौथा नंबर जो बनना है उसको कैपिटल ए फोर लिख देता हूँ, और ऐसे करते 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 कैपिटल ए एन तक, क्योंकि एन नंबर्स भरने हैं और लास्ट नंबर तो बी है ही सही, लास्ट नंबर तो बी है ही सही, समझ गए समझ गए। अगर सपोज करो मेरे को ये काम दे दिया गया करने के लिए, तो अब ये सब की वैल्यू निकालनी है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ये सब की वैल्यू। तो मुझे एक चीज बताओ, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए ए से लेके बी तक, बताओ सोचो कितने, ए फाइव। इनफाइनाइट क्यों होंगे, इनफाइनाइट तो होंगे चलो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि एन भी इनफाइनाइट है, लेकिन एन की टर्म्स में बताओ, एन की टर्म्स में बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ए वन से लेकर और ए एन तक तो एन टर्म्स हैं, है कि नहीं है? अब वो एन कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सही कह रहे हो आप, लेकिन एन की टर्म्स में कहें तो एन टर्म्स, ये तो एन टर्म्स ही सही। मेरे मान लो एन की वैल्यू 10 लिख ली, ए वन से लेके 10, तो 10 टर्म्स है और साथ में ए और बी भी है, तो एन प्लस टू
समझ में आई बात? यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है, एन, और एक टर्म ये है, एक टर्म, दो टर्म ये भी तो है, तो एन प्लस टू टर्म्स ये आ गए, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, एन प्लस टू। इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई, एन, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एन प्लस टू टर्म्स, एन प्लस टू टर्म्स, समझ गए। अब आपको एक एक करके सबको निकालना है, ए वन को भी निकालना है, ए टू को भी निकालना है, ए थ्री को भी निकालना है, लाइक दिस। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ए वन को निकालना है, एंड सपोज करो मुझे किसको निकालना है बेटा, ए वन को निकालना है, तो ए वन जो है एक्चुअली एक्चुअली इस एपी का दूसरा टर्म है, तो वैसे उसका नाम कैपिटल ए वन है, लेकिन एपी की भाषा में तो ये ए टू है, और ए टू क्या होता है, ए प्लस डी। ए टू क्या होता है, अच्छा एक मिनट रुको, पहले डी तो निकाला ही नहीं ना हमने, हाँ कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला ना, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म को ए एन मान के, याद है आपको, लास्ट टर्म को हम ए एन मान लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो ए एन लास्ट टर्म, अगर मैं ए एन ले लूं और उसको मैं बी, मेरे को गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, ओके फाइन। तो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा एन माइनस वन इंटू डी, तो यही रह जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, फिर डी को उधर भेजेंगे, फिर क्या करेंगे हम, डी को उधर भेजेंगे, वन सेकेंड रुको, सुनो यहाँ पे हमारे पास एन टर्म्स थोड़ी ना है, हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स है बेटा, एन प्लस टू टर्म्स है, हम एन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, इस एपी में हमारे पास पर्टिकुलरली कितनी टर्म्स हैं, एन प्लस टू, तो ये लास्ट टर्म हो गई मेरी बी, तो अब एन प्लस टू माइनस वन करोगे बेटा, तो एन प्लस टू माइनस वन करोगे तो क्या आएगा बताओ, प्लस वन रह जाएगा, प्लस टू माइनस वन, टू में से वन गया, तो यहाँ पे एन प्लस वन रह जाएगा ना कि माइनस वन, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, प्लस वन, यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, प्लस वन, तो एन प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी माइनस ए, नहीं डी की वैल्यू चाहिए ना आपको, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो गया एन प्लस वन इंटू डी, आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाह रहे हो ना, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ये हो गई इस एपी में, इस एपी में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया एक बार, अब आप जो चाहे जो टर्म निकाल लो, कैसे, सपोज करो मैं ए वन निकाल रहा हूं, सपोज करो ए वन निकाल रहा हूं, नाउ ए वन, तो जो कैपिटल ए वन है बेटा, वो एक्चुअली तो इस टर्म, इस एपी का दूसरा टर्म है ना, वैसे उसका नाम ए वन है, लेकिन एपी के हिसाब से वो ए टू है, ए टू निकालते हैं अपन क्लास जनरल टर्म फॉर्मूला से, कैसे, ए प्लस डी से, है ना, ए आपके पास है, डी आपने अभी अभी निकाला है, क्या निकाला है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो वो बहुत सारे नंबर जो भरने थे उसमें पहला नंबर निकालने का फॉर्मूला मिल गया। चलो दूसरा टर्म बताओ, ए टू, ए टू कैसे निकालोगे, अब वो एक्चुअली ए थ्री है, तो ए थ्री कैसे निकालते हो, ए प्लस टू डी, ए तो आपके पास है, पहली टर्म तो आपके पास है भाई, आपको इन दोनों के बीच में इतने नंबर्स भरने, तो पहली टर्म तो है ना, ए, ए तो है, अब आपको डी चाहिए, तो टू इंटू डी, यही ये की यही चीज, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। अब आप देखो ये बीच की टर्म्स को खा जाओ, मतलब इन बीच की टर्म्स को आप भूल जाओ, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है क्या, चेक करो, देखो जब यहाँ पे वन है तब तो ये फॉर्मूला है, जब यहाँ पे टू है तो बस इसका दुगना हो रहा है, तो अब थ्री होगा तो इसका तीन गुना होगा, होगा नहीं होगा, चलो बनाओ एक और इसकी फॉर्म में बना लो, ए थ्री इक्वल टू, एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा, ए फोर को कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। ऐसे करते करते आप पूरे ए एन टर्म्स निकालनी है आपको, तो आखिरी टर्म जो ए एन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ए एन एक्चुअली कौन सी टर्म होगी इसके हिसाब से, ए एन प्लस, बोलो कौन सी टर्म होगी, ए एन एक्चुअली जो होगी, ए एन प्लस वन वाली टर्म होगी, क्योंकि एक ए पहले भी तो बैठा है, जैसे कि जो ए टू नाम का जो नंबर था वो इस एपी की तीसरी टर्म थी, ए थ्री नाम का जो नंबर था इस एपी की चौथी टर्म थी, तो जो ए एन नाम का नंबर होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला जो नंबर होगा वो इस एपी की एक्चुअली एक्चुअली ए एन प्लस वन वाली टर्म होगी, नहीं होगी, क्योंकि पहली टर्म तो ये और एन टर्म्स ये जुड़ गई, तो इस एपी की एन प्लस वन वनथ टर्म हो जाएगी ये, तो ए एन प्लस वनथ का फॉर्मूला लगा दूं तो बाई जनरल टर्म फॉर्मूला इट विल बी ए प्लस एन डी, क्या होगा, ए प्लस एन डी, एक कम हो के, और ए प्लस एन डी का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन इंटू डी, तो निकाल चुके हो आप, बी माइनस ए इंटू एन प्लस वन, ठीक है।
तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि इस तरीके से आप कोई सी भी टर्म्स निकाल सकते हो जो ये इसके बीच में मुझे फिट करनी है। इसके बीच में मुझे जितनी भी टर्म्स फिट करनी है ना, उसका आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मुझे 10 टर्म्स फिट करनी है, मैंने क्या कहा बेटा, मुझे 10 टर्म्स फिट करनी है, तो मुझे बताओ उन 10 टर्म्स में सातवीं टर्म कौन सी होगी। तो वो एक्चुअली A7 है। फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, A+7 × B - A × n+n, n की वैल्यू वही 7, 7 + 1, यानी कि क्या हो जाएगा, A+7 × B - A/8। अब आपको इसे ए और बी कहां से बताऊं, ए और बी तो खुद देगा ना कि इन दोनों के बीच में फिट करो, ए पहली टर्म बी आखिरी टर्म, तो इस फॉर्मूले से शुरू हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, आप इससे कोई भी टर्म, कौन सी टर्म आपको बीच में फिट करनी है आप पता लगा सकते हो। सपोज करो आपको 3 टर्म्स पता लगानी है बीच की, तो आपको क्या निकालना है, A1 A2 A3, ठीक है, 1 यहाँ n की जगह पुटअप करो, 2 यहाँ n की जगह पुटअप करो, 3 यहाँ n की जगह पुटअप करो। पर याद रहे, निकालते निकालते ये मत मान लेना कि ये एपी की A1 पहली टर्म है, एपी की तो वो दूसरी टर्म है, एक्चुअली इट इज A2, है ना। लेकिन उन नंबरों में ये पहली टर्म है, जो बीच में नंबर फिट करने हैं उसका ये पहला नंबर है, उसका ये दूसरा नंबर है, उसका ये तीसरा नंबर है। इज दिस क्लियर, समझ आया। तो यही था अर्थमेटिक मीन का मतलब और इस एपी में उसका रोल। इज दिस क्लियर, ठीक है। एक्चुअली बेटा जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होती, हम वैसे ही कर लेते हैं डी मान के और ए मान के। इस फॉर्मूले को पुट कर लो तो आपके अच्छी बात है, कर लो तो नहीं भी भूल भी जाए फॉर्मूला, तो हम इस विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अपन प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला बन के आता है, इसलिए अपन ने सीख लिया। ठीक है, अभी टाइम हो गया क्या आपका? ओके, तो आप जाओ, आयुषी आप रुको, और हम एक लास्ट टॉपिक और कर लेंगे, सेलेक्शन ऑफ टर्म्स, 5 मिनट का टॉपिक है, आप वीडियो से कवर करेंगे ना। ओके, देखें कहाँ तक पहुंचे हैं, सम हमने कर लिया है। आयुषी आप आवाज आ रही है? हाँ सर ओके, तो ये आर्थमेटिक मीन का टॉपिक कवर कर लिया हमने, ठीक है। देखो कैसे फिट करोगे तीनों चॉइस के बीच में 6 नंबर। पहला नंबर हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, और अब इसमें फॉर्मूला लगाते जाओगे, एन की जगह 1, एन की जगह 2, एन की जगह 3, एन की जगह 4, एंड सो ऑन। इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आप 6 नंबर फिट कर सकते, ठीक है। बैठो, आई वो कहाँ, खुशी खुशी नहीं है, ठीक है। ओके चलो, अब एक लास्ट टॉपिक जो था वो और देख लो, फिर अपन सीधे चलेंगे, कल अपन सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, एग्जाम्पल्स फिर उधर ही देखेंगे, टाइम हो गया ना। ओके, लास्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, हाउ टू सेलेक्ट टर्म्स। अच्छा इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम अलग से लिखवाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं है कहीं भी। तो आयुषी लास्ट जो टॉपिक है इस सीरीज में, एपी में, वो लिख लो आप, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, इफ यू वांट यू कैन टर्न ऑन द स्क्रीन। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है कि, ठीक, क्या पीछे था कहीं, छोड़ो मैं खुद बनाता हूं, कि एपी में, इन एन एपी आपको सपोज कह रखा है कि तीन टर्म्स का सम ऑफ 3 टर्म्स कुछ दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है। आपने 10th में भी सीखा होगा ये चीजें, पर उस टाइम कैजुअली पढ़ा दिया जाता है, अभी सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। अगर 3 टर्म्स का जो सम है आपको दे रखा है 10, और कुछ भी दे रखा है, मान लो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है आपको 205, तो बताओ वो 3 टर्म्स कौन कौन सी है। तो आप क्या करते हो, जनरली आप ये करते हो कि 3 टर्म्स आप ले लेते हो, सर पहली टर्म ए, दूसरी टर्म, अब प्लस कर रहे हो सम है, दूसरी टर्म A+D, और तीसरी टर्म क्या हो जाता है, A+2B, ठीक है, इसका सम तो आ गया 10, और प्रोडक्ट ले लेते हो इन्हीं तीनों का, A into A+D into A+2D, तो प्रोडक्ट आ गया 205। तो आप ऐसे कर तो लेते हो, देखो अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, A+A+A 3A, +D+2D 3D इक्वल टू 10।
एक ही क्वेश्चन ये, यहाँ से पता क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ भारी भरकम से चीज मिलेगी, ए इंटू ये जो भी मिलेगा इक्वल टू 200 है। तो ये दो इक्वेशंस आप बना तो लोगे, बट इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपकी जान निकल जाएगी, ठीक है ना। और चलो अभी तो तीन टर्म्स थे, कल को मैं पांच टर्म्स दे दूंगा, अगर मैं चार टर्म्स दे दूंगा, छह टर्म्स दे दूंगा, तो उतने ही ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाए ना कि कुछ टर्म्स का सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो आपके, उसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें हमको सिलेक्शन करना होता है कि ये तीन टर्म्स कौन सी सेलेक्ट करूं और ये तीन टर्म्स अगेन कौन सी सेलेक्ट करूं। तो आपने जो सिलेक्शन किया वो गलत था, आपने जो सिलेक्शन किया ना ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, दिस इज रॉन्ग। अगर हम ये सिलेक्शन अच्छा कर लें या सही कर लें तो इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट भी बनाओ। तो आपके 100% ऐसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे आपके कोर्स में एटलीस्ट, और बोर्ड में तो बोर्ड में भी आते ही। तो हमारे टॉपिक का नाम है सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट द टर्म्स ऑफ एन एपी, कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी सेलेक्ट करें या कुछ और सेलेक्ट करें, ठीक है। इसमें वापस आएंगे, अब पहले एक बार टॉपिक लिख देते हैं कि टॉपिक क्या था, हाउ टू सेलेक्ट, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखो इधर तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, इधर तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, देन मैं लिख रहा हूं डी, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, हाँ ठीक है, सी डी कॉमन डिफरेंस, आपको क्या लेना है, और फिर एक्चुअली आपको टर्म्स क्या लेनी है, एक्चुअली आपको टर्म्स क्या लेनी है। देखो अगर नंबर ऑफ टर्म्स, देखो टू का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, टू का तो आसान हो जाता है, थ्री से स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी लेना है, क्या लेना है, डी, ठीक है। पहले मैं कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ सबका, चलो है ना। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स फोर है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी नहीं लेना, टू डी लेना है, बताएंगे क्यों, ठीक है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस फाइव है तो अगेन आपको डी लेना है। तो आपने पैटर्न पकड़ लिया होगा कि अगर कॉमन डिफरेंस जो है ऑड नंबर्स में चल रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस ऑड नंबर्स में चल रहा है तब तो क्या आएगा, डी आएगा। और जब वो इवन नंबर्स में चल रहा है, जैसे फोर का क्या आ गया, टू डी, तो अगेन अगर मैं सिक्स है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, छह टर्म्स आपको सोचनी है तो वापस आप टू डी ले लो। तो ये तो हो गया इस तरीके से कॉमन डिफरेंस का सिलेक्शन, ये आप कर ही लोगे ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो डी, इवन है तो टू डी। अब टर्म्स क्या लेनी है, तो देखो जो आपने यहाँ पे डी लिया है वो तो बीच की टर्म होगी, एग्जैक्टली बीच की टर्म, नो सॉरी वन सेकेंड, सॉरी, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी एग्जैक्टली बीच की टर्म ए लेंगे हम, क्या लेंगे, ए। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो अगली टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, और पिछली टर्म हो जाएगी, बीच की टर्म ली है मैंने ए, तो पिछली टर्म हो जाएगी ए माइनस डी। तो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड सपोज टू सेलेक्ट द टर्म्स। इस तरीके से अगर हम टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन भी, सम एंड प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट, जिसमें बहुत भारी भरकम इक्वेशन बन जाती हैं, अभी वो ऐसी भारी भरकम इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। चलो अब सेकंड देखते हैं, मान लो आपने नंबर ऑफ टर्म्स चार ली हैं, तो अब बीच की टर्म ए मत लेना, उस केस में, पर्टिकुलरली उस केस में बीच की टर्म ए प्लस डी लेना, क्या लेना, ए प्लस डी। तो मुझे बताओ अगली टर्म क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस आपने टू डी लिया है तो दो टू डी जोड़ दो, तो टू डी जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ओके। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, तो पिछली टर्म क्या हो जाएगी, ए माइनस डी, हाँ बिल्कुल सही है। तो इससे पिछली टर्म कौन सी हो जाएगी, डी में से टू डी माइनस करो, भाई अगली टर्म में जाने के लिए टू डी प्लस करो, पिछली टर्म में आने के लिए टू डी माइनस करो, तो डी में से टू डी माइनस किया तो ए माइनस डी बचेगा, ओके। और उससे पिछली टर्म निकालने के लिए क्या कर देंगे, और टू डी माइनस कर दो तो ए माइनस थ्री डी हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी चार टर्म्स, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स चार लेनी है तो ये चार टर्म्स आपकी सेलेक्ट होंगी, ओके। चलो अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पांच लेनी है, लेट अस से पांच लेनी, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो स्पेस की थोड़ी कमी रहेगी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में देखो कहीं भी गिवन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है ना, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपकी पांच है तो ओड के केस में तो बीचों बीच ए लेते हैं, ये तो फिक्स हो गया। देखो ओड के केस में बीचों बीच ए, मतलब स्टार्ट आप ऐसे करो, फिर सोचो इधर की इधर की इधर की, सोचना शुरू करो। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे टू फोर सिक्स है, तो आप स्टार्ट करो ए प्लस डी से और फिर सोचो। तो अभी ऑड आ गया वापस, तो आप ए से सोचेंगे तो अगली टर्म हो जाएगी डी, तो जोड़ना है आपको ए प्लस डी, फिर एक बार डी जोड़ना है तो ए प्लस टू डी। तो ये तो हो गया अगली दो टर्म्स, पिछली दो टर्म्स डी माइनस करो तो ए माइनस डी, डी एक और बार और माइनस करो तो ए माइनस टू डी, ठीक है। ये हो गई हमारी पांच टर्म्स जो अपने को सेलेक्ट करनी है। और लास्ट देखो सिक्स टर्म्स अगर आपको सेलेक्ट करनी है, तो सिक्स टर्म्स में मैंने क्या किया, इवन में स्टार्ट करो आप ए प्लस डी से,
स्टार्ट करो ए प्लस डी से, तो अगली टर्म हो जाएगी, अब 2d जोड़ना है ना, 2d का डिफरेंस लेना है, तो ए प्लस 3d, डी में 2d जोड़ेंगे, ए प्लस 3d, फिर 2d जोड़ो जरा, तो ए प्लस 5d, अब 2d 2d कम भी करो तो ए माइनस डी आ जाएगा, 2d कम करते ही डी माइनस 2d, तो ये हो जाता है ए माइनस डी, और 2d कम करो तो ये हो जाएगा ए माइनस 3d, और 2d कम करो तो ये हो जाता है फाइनली ए माइनस 5d. तो दीज आर द टर्म्स, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी शुड सेलेक्ट द टर्म्स व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो जिसका मैंने एक डेमो एक एग्जांपल अभी दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना. अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, चलते हैं उस क्वेश्चन में. अब इस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, कितनी आसानी से हो जाएगा. देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं बताता हूँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा ना, कि हमको सम ऑफ थ्री टर्म्स तो है 10 और थ्री टर्म्स प्रोडक्ट है, तो ये सब काम तो करो मत, मतलब ये आपने जो नंबर सेलेक्शन ऑफ टर्म्स किया है गलत है. तो तीन टर्म्स के केस में मैंने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस तो लेना है डी, ठीक है, फिर और अगले पिछली टर्म्स स्टार्ट कहाँ से करना है, पहली टर्म ए से, और अगली टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, और पिछली टर्म क्या हो जाएगी ए माइनस डी. तो देखो अब इन तीन टर्म्स का सम अगर आप 10 रखते हो, तो कितना आसान काम हो गया आपके लिए. इन तीन टर्म्स का सम आप 10 रखते हो, प्लस प्लस, ठीक है ना. तो देखो ये क्या हुआ, माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस ए 3a, 3a की वैल्यू 10 आ गई, ए की वैल्यू 10/3 आ गई, और एक बार ए की वैल्यू 10/3 आ गई, तो अब आप डी भी निकाल पाओगे कैसे. अब एक और इक्वेशन में तो गिवन है कि इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या था, ए माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 10. तो वैसे ये जो इक्वेशन है भारी लग रही थी, लेकिन आज की तारीख में ए की वैल्यू है ना आपके पास, पहले ए की वैल्यू नहीं थी, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर दो, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है. तो ए स्क्वायर मतलब 10/3 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और दिस होल थिंग विल बी अगेन मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू 10, सॉरी ए तो है ना हमारे पास, ए क्या है 10/3 अगेन, 10/3 अगेन इक्वल टू. अब आप, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हो इसमें डी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, 10 से 10 भी कट गया ना, इस तरीके से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो. तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो आपको तीन टर्म सोचने में कौन सी बड़ी बात है, पहली टर्म आपने ए माइनस डी मानी, दूसरी ए मानी, तीसरी ए प्लस डी मानी, ठीक है. तो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इस हिसाब से आपको सोचना है, इस हिसाब से आपको सोचना है, तो आपके क्वेश्चंस आसान होते चले जाएंगे, ठीक है. एक बार फिर से ज्यादा रिवाइज कर रहा हूँ, कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो कॉमन डिफरेंस डी लो, और उस केस में आप स्टार्ट करो टर्म्स को सोचना ए से, और फिर ए के इर्द गिर्द की टर्म सोच लो, दैट मीन्स एक अगली टर्म ए प्लस डी, पिछली टर्म ए, यानी कि इस एपी की पहली टर्म, इस एपी की पहली टर्म ए माइनस डी हो जाएगी, दूसरी टर्म ए हो जाएगी, तीसरी टर्म ए प्लस डी हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो उस एपी की पहली टर्म ए माइनस टू डी, देन ए माइनस डी, देन ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस टू डी, एंड इन केस अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो उस केस में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस आपको 2d सोचना है, पहली चीज ये, और स्टार्ट आपको करना है ए प्लस डी से, सोचना स्टार्ट करना है आपको ना, तो ए प्लस डी, फिर उसके बाद अगली टर्म, उसके बाद फिर पिछली टर्म्स, उसके बाद फिर पिछली टर्म्स, है ना. तो इस तरीके से आपको टर्म सोचनी है, और अगर मान लो 5-6 टर्म्स है तो ए प्लस डी से सोचो, 2 टर्म्स आगे सोचो और 3 टर्म्स पीछे सोचो, तो ये हो जाएगी आपकी 6 टर्म्स, दैट मीन्स इस एपी की पहली टर्म ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और उसके बाद फिर जैसे इन टर्म्स का आपको सम गिवन है, सपोज करो अभी सम गिवन है सबका, तो कितना आसान काम हो गया, सम अगर गिवन है तो -5d से +5d, -3d से +3d, -3d से +, तो ए प्लस ए प्लस, यानी 6 ए की वैल्यू आपको सीधे आ जाएगी और ए इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. समझ आया ऋषि एंड ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बोलो समझ आया, यस सर, ठीक है. तो दैट्स इट, अब एपी के बारे में हम, हमने लास्ट ईयर का भी सारा रिवाइज कर लिया है, इस साल जो नई चीज सीखनी है वो भी देख ली है, तो टुमारो वी आर ऑल सेट टू प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. रही बात एग्जाम्पल्स की, तो नहीं कर पाए आज की वीडियो में, हम क्या करेंगे कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो ही घूम फिर के वापस एक्सरसाइज में आए होंगे, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, तो एग्जाम्पल्स फिर आप कर पाओ, अगर इन केस आप एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे हो तो आपको ट्राई करना है, एग्जाम्पल्स 9.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करनी है आपको ट्राई करना है, इन केस आपसे सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप वेट करो उस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आने दो, उस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ जाए सीख लो, फिर वापस एग्जाम्पल जाकर सॉल्व करो, और फिर भी ना आए तो फिर मुझसे पूछना कि सर इतना करने के बाद भी नहीं आया, अब आप बता दो. ओके चलो कल एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सारा रिवाइज करो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.